अभी हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो वायरल वीडियो मध्यप्रदेश का था। उस वायरल वीडियो में आपने देखा था कि एक हिंदू युवक को कुछ मुस्लिम लोगों ने गले में उसके पट्टा डाल रखा था और उसे भौंकने के लिए कह रहे थे। उस वीडियो के सामने आने के बाद नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया था, लेकिन अब सिर्फ बयान नहीं, शिवराज सरकार ने अब बड़ा एक्शन भी ले लिया है। जी हाँ, जो खबर सामने आ रही है, बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक हिंदू युवक को इस्लामी धर्मांतरण के लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों ने यातनाएं दी। इस घटना का वीडियो सामने आया, पीड़ित को न सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकने के लिए कहा गया बल्कि उसके गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर उसे घसीटा भी गया। बताया जा रहा है कि मजबूरी में प्रताड़ित युवक को कहना पड़ा कि मैं मियां बनने के लिए तैयार हूं। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी फैजान खान, समीर खान और साहिल उर्फ सलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों का न सिर्फ जुलूस निकाला गया बल्कि उनके अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया, उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि शिवराज सरकार ने एक्शन लेते हुए उनके घरों को जमींदोज कर दिया है। इस मामले में बयान जारी करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने 24 घंटे में कार्रवाई करने की बात कही थी, 6 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया। ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोगों को, ऐसी घृणित सोच को हम कुचलने का काम करेंगे। भोपाल में वो कार्रवाई होगी जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए नजीर बनेगी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पीड़ित युवक से जबरन कहलवाया गया कि साहिल और फैजान मेरे बाप हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए भोपाल नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे। लाल घाटी स्थित पंचवटी कॉलोनी के रहने वाले पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके साथ मारपीट भी की गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर जमालपुरा थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। खुद CM चौहान ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। फिलहाल समीर के घर पर बुलडोजर चला है, लेकिन बाकियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। VK News, राष्ट्र के नाम।